सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आज आया यूपी पुलिस की गिरफ्त में। निकला इस पार्टी का कार्यकर्ता, सुनकर सबके उड़ गए होश। गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 4 फरवरी 2022 को एक लेडी डोन नाम के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था, जिसमें गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि ये धमकी पूरी तरह से बेबुनियाद थी, लेकिन अब धमकी देने वाला सोनू कैंट पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। सोनू किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। इसने लेडी डोन नाम से ट्विटर प्रोफाइल बनाकर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए थे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और कई जगहों पर अभियान भी चलाया था। हालांकि पुलिस उस वक्त आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर कैंट शशिभूषण राय ने बताया कि लेडी डोन नाम से ट्वीट का सीएम योगी और उनके गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मामले में पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज किया था और जांच में जुटी थी। जांच में सामने आया कि ये ट्वीट फिरोजाबाद के सिरसागंज थाने के अहमदपुर निवासी सोनू सिंह पुत्र रामनाथ ने किया था। पुलिस उसकी तलाश में थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि 1 महीने पूर्व एक मामले में पकड़ने गई आगरा पुलिस पर उसने जानलेवा हमला कर दिया था। इसके बाद मई 2022 के पहले हफ्ते में आगरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस आगरा जेल से वारंट बी के तहत गोरखपुर लाई और उसे गोरखपुर कोर्ट में पेश कर रिमांड बनवाकर पुलिस ने जेल भेज दिया है। दरअसल 4 फरवरी की रात एक के बाद एक 3 ट्वीट किए गए। पहले में लिखा था कि यूपी विधानसभा, लखनऊ रेलवे स्टेशन और बस अड्डा पर बम लगा दिया गया है। ये भी लिखा गया कि योगी आदित्यनाथ की भी हत्या हो जाएगी। 1 घंटे बाद भीमसेना की अध्यक्ष सीमा सिंह योगी आदित्यनाथ को मानव बम बनकर मारेगी। राशिद ने बम लगा दिया है और इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। तभी फिर ट्वीट किया गया और लिखा गया कि गोरखनाथ मठ में 8 जगह सुलेमान भाई ने बम लगा दिया है, योगी आदित्यनाथ के चीथड़े उड़ जाएंगे। मेरठ में 10 जगह बम ब्लास्ट की बात लिखी गई। जब ये ट्वीट आ रहे थे तब सीएम योगी उस वक्त गोरखपुर में ही थे, लिहाजा यहाँ की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। इसी तरह 20 जनवरी को भीम आर्मी की अध्यक्ष सीमा ने ट्वीट कर एक फोटो शेयर की थी। उसमें लिखा था कि ये फोटो योगी के जिले की लड़की की है, उस पर एसिड फेंक कर चेहरा जलाया गया है। जांच में वो फोटो पाकिस्तान के 4 साल पुरानी घटना की तस्वीर निकली। इसके बाद पुलिस ने गोरखपुर में सीमा के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले लेडी डोन नाम के ट्विटर हैंडल से सीएम योगी को ये धमकी दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्वीट करने वाले ने हापुड़ पुलिस को टैग किया था। इसी अकाउंट से मेरठ और लखनऊ में बम धमाके करने की धमकी दी गई थी और इन्हीं धमकियों के बाद सर्विलांस टीम मामले की जांच में जुटी हुई थी। चुनाव के दौरान किए गए इस ट्वीट में लिखा गया था कि ओवैसी तो मोहरा है, असली निशाना तो योगी आदित्यनाथ है। बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर आरडीएक्स से हमला होगा, अपनी टीम लगाओ, दिल्ली मत देखो। चुनाव से पहले सीएम योगी को मिले इस धमकी से यूपी पुलिस के होश उड़ गए थे। पुलिस ने आरोपी को तलाशने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब आखिरकार यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।